some tricky concept of recursion. So recursion जैसी एक function है, मैंने इसका prototype mention किया है. Return type इसका हम void कर देते हैं, मतलब कोई भी return ये expect नहीं करता है. और जब आप इस function को main call करता है, जैसे ही ये function call होता है तो ये control आपका यहाँ आ जाता है. तो यहाँ function की definition है, तो क्या प्रिंट करता है, आई मीन मैसेज फंक्शन. उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये रिटर्न होके कंट्रोल वापस यहाँ आ जाता है. और नेक्स्ट लाइन जब रीड करता है प्रिंट एफ आई मीन मेन फंक्शन, तो आपका आउटपुट आता है आई मीन मेन फंक्शन. जब आप इसको कंपाइल करेंगे सो इट इज सेइंग सम मिसिंग, यहाँ सेमी कॉलन नहीं होना चाहिए, ये एरर था. अब इसे आप कंपाइल करें और जब आप इसे रन करेंगे तो आपका आएगा आई एम इन मैसेज फंक्शन, आई एम इन मेन फंक्शन. इट्स मीन पहले ये आपका आउटपुट आया, उसके बाद ये आउटपुट आया. तो जब मेन फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल करता है और वो कंट्रोल कहीं और ट्रांसफ़र होता है, तो उसके जो रिमेनिंग स्टेटमेंट हैं वो भी रन करते हैं. लेकिन कब रन करेंगे, जब वो फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर से कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन पे आ जाता है. तो ट्रिक की बात ये है कि आप ये देखिए, ये एक प्रोग्राम मैंने मेंशन किया है और इसमें एक फंक्शन कॉल किया है MSG3. फॉर एग्जांपल इसको मैंने 2 पास किया और मेन ने MSG फंक्शन को कॉल किया और आर्गुमेंट क्या पास किया, 2 आपका एक्चुअल आर्गुमेंट इसमें पास हुआ. ए जो फॉर्मल आर्गुमेंट है उसने 2 को रिसीव किया और प्रिंट कर दिया 2. फिर इसने चेक किया इफ़ ए इक्वल टू 1 तो फॉल्स है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो यहाँ गया. और फिर मैसेज फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया. तो ये रिकर्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, मैसेज फंक्शन था इसने अपने आप को कॉल किया और आर्गुमेंट क्या हो गया, 1, 2 माइनस 1 1. तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई, 1. फिर क्या प्रिंट हुआ आपका यहाँ, 1. फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई, रिटर्न 1. तो 1 जो है MSG1 को रिटर्न हो गया, कोई यहाँ रिसीवर नहीं है तो यहाँ 1 रिसीव को कोई मतलब नहीं. फिर ये अगेन ये कंट्रोल MSG2 कंप्लीट होकर के यहाँ आ गया. बट अगर हम इसको हटा देते हैं अभी इस स्टेटमेंट और इसको कंपाइल करेंगे कंट्रोल F9 और रन करेंगे, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, 2 और 1. अब ट्रिक की बात ये है कि जब आप इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ लाइन चेंज के बैक स्लैश एन परसेंट ऑफ डी और ए, अब आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि आपका एल्स वाला पार्ट ही रिकर्शन को कॉल कर रहा है, तो रिमेनिंग ये स्टेटमेंट रह गया है. तो ये स्टेटमेंट एक जब मैसेज 2 कॉल होगा तब भी प्रिंट होगा, ठीक है, और मैसेज 1 जब कॉल होगा तो वो तो डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है तो इसलिए प्रिंट नहीं होगा. तो आउटपुट अगर आप देखें तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 2 1 एंड देन 2 2 1 एंड 2. अगर मैं इसको 3 पास कर दूं, कंपाइल किया कंट्रोल F9 से फिर रन किया, आउटपुट क्या हो गया, 3 2 1. पहले प्रिंट एफ से आया 3 2 1 और सेकेंड प्रिंट एफ से आया 2 3. तो जस्ट उसके रिवर्स ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट कर रहा है. और इसका रीज़न क्या है, जैसे ही 3 आपने पास किया यहाँ फिर 3 ने मैसेज 2 को कॉल किया, लेकिन 3 जो आपने पास किया था उसका ये स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं किया था, जो लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट एफ है ये एग्जीक्यूट नहीं किया था. तो ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंट्रोल फिर से MSG3 के पास आ जाएगा. तो MSG3 ने MSG2 को कॉल कर लिया बिफोर प्रिंटिंग, तो MSG2 ने फिर MSG1 को कॉल कर लिया. तो MSG1 जैसे ही यहाँ आया, ए की वैल्यू 1, यहाँ रिटर्न हो गया, रिटर्न किसको हो गया, MSG2 को. तो MSG2 जो कंट्रोल यहाँ फिर से आया तो वो किसके लिए आया, 2 के लिए, तो ए की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाती है. इट्स मीन जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो उसके बाद के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करते हैं अगर वहाँ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है. तो ये कॉन्सेप्ट हम टॉर ऑफ हैनोई में भी देखेंगे.
थैंक यू।